प्रशासन चाहे लाख जतन कर ले, लेकिन शिक्षा विभाग की कारगुजारी किस कदर नौनिहालों पर भारी पड़ रही है, इसका जीता जागता उदाहरण राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में उस समय देखने को मिला जब एक निजी स्कूल संचालक ने न केवल छोटे छोटे बच्चों को धूप में खड़ा किया बल्कि फीस नहीं भर पाने के कारण उन्हें परीक्षा से भी वंचित कर दिया। यह कोई पहला मामला नहीं है पूरे जिले में और साथ ही प्रदेश भर में नौनिहालों के साथ इस तरह की मानसिक प्रताड़ना अक्सर देखने में आती है। अधिकतर मामलों में होता यही है कि अपनी ऊंची रसूख और लाल फीता शाही के ढरे के चलते स्कूल संचालकों पर या तो कार्रवाई नहीं हो पाती है या फिर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर कार्रवाई करके पल्ला झाड़ लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्यावरा के फ्यूचर चाइल्ड स्कूल की, जहां आज स्कूल के बच्चों का पेपर था लेकिन कुछ बच्चों द्वारा फीस जमा नहीं किए जाने के कारण उन्हें धूप में खड़ा रखा और वहां उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं सहित स्टाफ ने बच्चों को गुमराह कर तरह तरह के दबाव बनाने का प्रयास करने लगे। मुझे जानकारी मिली, आपसे ही मिल रही है, जहाँ तक शासन से निर्देश है जिसमें कि अगर कोई फीस बच्चे की आती नहीं है तो पालक से संपर्क करना चाहिए, बच्चे से किसी प्रकार की चर्चा करने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रबंधन का कोई अधिकार नहीं है, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मामले के उजागर होने के बाद अब स्कूल ड्राइवर यह बात कह रहा है। ये शिकायत में संज्ञान में आई है और इसकी जाँच करवाई जा रही है और यदि दोषी होगा तो इसकी कार्रवाई की जाएगी। कौन सा स्कूल था सर ये? फ्यूचर चाइल्ड स्कूल यहाँ पर ये एवी रोड पे स्थित है, भोपाल रोड पर। तो ठीक है सर, इसकी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से भी संपर्क हुआ गया अभी? हाँ, संज्ञान में आया है और इसके लिए जांच के लिए हमने भेजा दिए, जिसे जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा वो इस कार्यालय में। राजगढ़ से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट, NC24 न्यूज़।